सुनो, दर्शन अंकल नजर नहीं आ रहे। वो बाहर की तरफ है मैडम। पायल पुत्र, क्या हुआ? ओह, ये खून दिखता नहीं है क्या? अंधी हो गई है? क्या बोला तू? अंधी बोला क्या? मेरी बेटी को अंधी क्या कर तू? मेरी बेटी को अंधी क्या कर तू? मेरी बेटी को अंधी क्या कर तू? जान से मार दूँगा, जान से मार दूँगा तुझे। मेरी बेटी को अंधी क्या कर क्या? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मैं इसको जान से मार दूँगा। ओ दर्शन, अब तक है अंधी क्या था मेरी बेटी को? पायल पुत्र, बहुत चोट लगी ना? काफी दर्द हो रहा होगा। मामूली सी अंकल, आप नहीं? नहीं पुत्र, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज करते हैं। नहीं अंकल, घर चलते हैं, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई अंकल, प्लीज चलिए। वो भाग गया, नहीं तो मैं उसे ऐसा मजा चखाता। समझ के पायल पुत्र, मेरी बच्ची, ये क्या, ये चोट ये कहाँ लगी, कैसे लगी? जी वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो ये सब आपका कारनामा है? जी आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए। अरे कैसे टैक्सी चलाते हैं आप? भूल सी बच्ची को इतनी ज्यादा चोट लग गई। अरे अगर आपको टैक्सी चलाना नहीं आता तो मत चलाइए। आप यहाँ क्या खड़ी है संतोष जी? अंदर जाइए, दवाई लाइए, देखिए ना मेरी बच्ची को कितना खून आया हुआ है। अरे ये कैसे? आप यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर जाइए, दवाई लाइए प्लीज। हाँ जी। तो बेटा आराम से बैठो प्लीज। गलती मेरी थी जो मैंने तुझे एक ड्राइवर के साथ भेज दिया। आप अभी भी यहाँ खड़े हैं? संतोष जी, जनाब को इनके पैसे दीजिए और कहिए कि आज के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी बच्ची को अपने आप छोड़ने जा सकते हैं। अंकल, पापा। बेटा प्लीज तू कुछ मत बोल। पापा, अगर आप अपना गुस्सा थूके तो मैं कुछ कहूँ? बेटा, पापा आपने खामखाई अंकल को इतनी बातें सुना दी, ये चोट मुझे अंकल की लापरवाही से नहीं लगी है, एक बाइक वाले ने मुझे धक्का मार दिया था, बल्कि अंकल ने तो मुझे संभाला है, उस बाइक वाले को इतना पीटा कि वो जिंदगी में दोबारा एक्सीडेंट करने की सोचेगा भी नहीं, और आपने बेकार में ही अंकल को इतना सुना दिया। तो मैं अब ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दर्शन जी, मुझे माफ कर दीजिए, कहां मुझे आपका एहसान मानना चाहिए था, और आई एम सॉरी दर्शन जी। सॉरी की कोई बात ही नहीं है राजन बाबू, सॉरी की कोई बात नहीं है। आपने जो भी कुछ कहा वो आप नहीं कह रहे थे, एक पापा का अपनी बेटी के लिए प्यार कह रहा था। मैं जानता हूँ राजन बाबू, एक बाप का अपनी बच्ची के लिए प्यार क्या होता है। पायल बेटा, बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं पापा, नहीं जी, हल्की सी खरोंच है, अब ठीक हो जाएगा। जैसे आपको बहुत ज्यादा मालूम संतोष जी। अरे आप अंदर जाइए और वो बच्ची के लिए वो लाइए ना, हल्दी वाला दूध। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं लेके आती हूँ। मेरा बच्चा, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं पापा। पक्का? नगमा को बुलाओ। पार्सल आया? जी सुल्तान। चेक करके फोन कर दो। ओके। आशा ने कुछ बताया? अभी तक तो कुछ नहीं। क्यों?
मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं जानती। नगमा, सुल्तान ने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी, केवल इतना पूछा है कि काम हुआ या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक तो। तुम होश में दो, उस लड़की की इंफॉर्मेशन पर हम कितना डिपेंड करते, क्या तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा? लेकिन चुप रहो। एक मिनट, इसमें एक गोली है नगमा, अगर उस लड़की से इंफॉर्मेशन निकलवा सको तो काम खत्म होने के बाद उसे मार देना, वरना तुम्हारे लिए भी यही एक गोली काफी है। हम अपने नाकाम लोगों को दूसरा मौका नहीं देते। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दर्शन। हाँ तोशी, आपने यहाँ फोन किया? क्या करूँ तोशी, फोन करना पड़ा। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। बोलिए। नहीं, ऐसे फोन पर नहीं कह सकता, तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ तोशी। लेकिन प्लीज प्लीज तोशी, इनकार मत करना। देखो, तुम जानती हो अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं तुमसे इस तरह मिलने के लिए कभी नहीं कहता। ठीक है, कहाँ मिलना है जी? कल शाम को। ठीक है जी। ओके। संतोष जी। जी। वो वर्मा जी कई दिनों से कह रहे हैं कि भाभी के साथ डिनर पर आइए, कल शाम का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, ऑफिस के कुछ और लोग भी आएंगे, आप आएंगी ना? कल शाम को? जी कल शाम को तो जी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना जी, और वैसे भी आप जानते हैं मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी ऑफिस के लोग होंगे, ऑफिस की बातें होंगी, आप बोर हो जाएंगी, मैं अकेले ही आऊंगा। जी चलता हूँ। दिल्ली का क्या मतलब है? मुझे हर चेक पोस्ट से हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। जब सारी की सारी बॉर्डर सील है तो किडनैपर्स कहाँ गए? सारे के सारे होटल छान मारो, फार्म हाउसेस चेक करो, अगर किसी मकान पर शक हो तो तलाशी लो, समझे? सर, आशा के किडनैपिंग के तार मुझे श्रीमंत के मर्डर और उसकी फाइल से ही जुड़े नजर आते हैं। ऑफ कोर्स, श्रीमंत के केस में किसी और को क्या दिलचस्पी हो सकती है। मिस्टर कीर्ति, आप फॉरेस्ट एरियाज के बारे में क्या कह रहे थे? सर, यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, ये लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी जल्दी शहर छोड़कर जा चुके होंगे। सर, ये लड़ाई कुछ लंबी खिंचती जा रही है। अब ये लड़ाई एक सीबीआई ऑफिसर और एक टेररिस्ट के बीच में है। अब सुल्तान हमारे हाथों से बच नहीं सकता। देखना यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाती है। मैं सुल्तान का वो अंजाम करूंगा कि कोई भी आदमी टेररिस्ट बनने से पहले हजार बार सोचेगा। बोल, क्या जानती है तो सुल्तान के बारे में बोल। कितनी बार कहूं?
फास्ट, कम ऑन और फास्ट। कुछ बताया इसने? बताएगी, जरूर बताएगी। फिलहाल तो बेहोश हो गई है, लेकिन इतनी तकलीफ तो इसके फरिश्ते भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे ये क्या किया तुमने? इसका होश में आना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द इससे सब कुछ उगलवाना है। इसे होश में लाओ। ये तो होश में नहीं आ रही। आएगी, जरूर आएगी। Kirti and Mr. Mehra, you cover from that side. Okay, sir. And you both come with me. Okay. Come on, fast. Sultan, bar police aayi. Chal leave me aise. कदमा छोड़ो से और बिल्कुल नहीं भागो यहाँ से। जल्दी करो। कहाँ गए लोग? जल्दी करो। नगमा छोड़ो से। सर उस तरफ तो नहीं है। मालूम है मुझे, वो लोग इस साइड गए। आप तीनों अंदर जाके चेक कीजिए और आप मेरे साथ आइए। कम ऑन। ओके सर। अरे राशि तुम? मैं कम इन मिस्टर मल्होत्रा। अरे आओ ना। तुम अचानक, ना कोई फोन ना कुछ, हाँ? समझ गया। मेरा नया कैबिन देखने आई हूँ। कैसा लगा? फैबुलस, बहुत अच्छा है। प्रकाश, जैसे आपके स्टेटस के हिसाब से होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही है। बैठ। अब बनी ना कुछ बात। कमी है तो सिर्फ एक चीज की। किस चीज की? गाड़ी की। गाड़ी? गाड़ी तो है ना मेरे पास। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो आपकी पर्सनल गाड़ी है ना। आपको ऑफिस जाना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, हर वक्त उस गाड़ी की जरूरत रहती है। मैं बात कर रही हूँ अपनी पर्सनल गाड़ी की। पर्सनल? हाँ, जैसे पूजा भाभी के पास एक पर्सनल गाड़ी है, वैसे एक गाड़ी मेरे पास भी तो होनी चाहिए ना। राशि भाई, हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं, तुम कभी भी कोई भी गाड़ी ले जा सकती हो। अब तुम्हें कोई मना थोड़ी ना करेगा। लेकिन प्रकाश, मुझे वो गाड़ी चाहिए जिस गाड़ी की चाबी मेरे पास हो, सिर्फ मेरे पास, और जिसके लिए मुझे बार बार किसी से इजाजत ना लेनी पड़े। राशि तुम समझ नहीं रही हो। समझ आप नहीं रहे हो प्रकाश। अरे अब आप इस ऑफिस के मैनेजर नहीं रहे, मालिक हो मालिक। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपकी बीवी के पास गाड़ी हो या ना हो, पर मुझे फर्क पड़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है। प्रकाश, ये बात सिर्फ हमारी गाड़ी की नहीं है, ये बात हमारी स्टेटस की है। राशिद,
आप तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। आपको मेरे लिए पर्सनल गाड़ी अरेंज करनी ही पड़ेगी। एंड दैट्स फाइनल। मैम, मैनेजर को बुलाता हूँ। हाँ, वो जरा ऑफिस के इंचार्ज से कहिए कि मैंने याद किया। बात करके देखते हैं क्या कहता है। बात करके? What are you talking, प्रकाश? आपको उन्हें सिर्फ instructions देना है that you need a car and that's it. इसमें बात क्या करनी है? राशि, आपने बुलाया सर? हाँ, आओ गुप्ता। गुप्ता, meet my wife, राशि। Hello madam, how are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ madam, thank you. कहिए सर। Mr. गुप्ता, मेरी wife को एक car चाहिए। आप जरा ये पता करके बताइए कि हमारी कंपनी के पास कोई कार है अच्छी कंडीशन में? कई है सर, आप चाहे तो मैं मैडम को आज ही दिखा देता हूँ। एक कार तो अभी खाली हुई है और अच्छी कंडीशन में भी है। What do you mean अच्छी कंडीशन? प्रकाश, मैं नई गाड़ी की बात कर रही हूँ, पुरानी गाड़ी की नहीं। She is right सर, आप भला पुरानी कार क्यों खरीदेंगे? आपको तो नई कार लेनी चाहिए सर। मिस्टर गुप्ता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कैसी सर, आप कंपनी के मालिक हैं सर, आप चाहें तो एक नहीं चार कार ले सकते हैं सर। आप भी कमाल की बात करते हैं सर। मैं अकाउंटेंट को अभी बुला लेता हूँ, मैं आए। जल्दी कैबिन में साहब के आ जाओ। ओके, अकाउंटेंट अभी आ रहा है। okay. हम अभी फाइनल कर लेंगे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, देखिए एक कार फॉरन बुक करानी है, कैसे करेंगे? ना हो तो उस एजेंट को बुला लेना, वो आपको डिलीवरी की पोजीशन बता देगा। जी सर, उसे बुलवा लेता हूँ, लेकिन एमडी साहब की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप जानते हैं एमडी साहब यहाँ नहीं है? जानता हूँ सर, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी। अरे कोई तो रास्ता होगा, आप जानते हैं हम वेट नहीं कर सकते, हमें गाड़ी फॉरन चाहिए। तो फिर ऐसा कीजिए, पूजा मैडम से सिग्नेचर करवा दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। एमडी साहब के एब्सेंस में अर्जेंट पेपर हम उन्हीं से साइन करवाते हैं। हो जाएगा मैडम, मैं आज ही पूजा मैडम से बात करता हूँ। नहीं, पूजा मैडम से हम खुद बात कर लेंगे, आप लोग जाइए। थैंक्स। थैंक यू सर। लो भाई, तुम्हारी गाड़ी का इंतजाम तो हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि सैंक्शन लेटर बनवा देता हूँ, तुम घर जा रही हो ना, पूजा से साइन करवा देना। ओके। नहीं, पूजा से साइन नहीं करवाएंगे, जब तक सब लोग नहीं आ जाते हम लोग इंतजार करते हैं। अरे कमाल है, अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे गाड़ी चाहिए बहुत जल्दी, और अभी चलो छोड़ो, कॉफी पियोगी ना? हाँ। गाड़ी तो मुझे चाहिए, लेकिन पूजा के सिग्नेचर से नहीं।